सवा साल में कोई काम ऐसी के लिए किया? केवल वादे करना और प्रदेश को लूटने का काम किया, वचन पत्र पूरा नहीं कर रहे। हमारी देखा देखी उनने भी किया था रविदास को। संत बैठे, कोई संत के चरणों में आके झुके थे क्या? कोई संत का स्वागत किया था क्या? ये अहंकारी लोग ये मानते हमको अरबपति, अरबपति हम कहां किसके सामने झुकेंगे? संतों का अपमान करने का पाप किया तो कमलनाथ आपने किया। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन तब भी हम सब आए थे, आंदोलन किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए। कमलनाथ के कानों में जुआ नहीं रिंगी भैया, जुआ जुआ। ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा केवल छलाए वोट के लिए, आजकल मैं रोज सवाल पूछ रहा हूँ, बच्चे कितने जो पात्र पाए? सर 12,000 बन गए हैं सर, 12,000 ऐसे जो ऐसे नहीं, जरा कार्यक्रम करके बांटेंगे सर। और जो रह गए हैं उनको भी देखो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सी झुका के सबको प्रणाम। आज मैं आप सबसे एक सलाह करना चाहता हूँ, कर लूँ क्या? अरे जोर से बोलो, संतों से भी। देखो अद्भुत संत हुए संत रविदास जी महाराज। गुरु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग पास समानी। गुरु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। गुरु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत जलत दिन राती। गुरु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अद्भुत संत, सबके संत। और उन्हें एक बात और कही, ऐसा चाहूं राज में, और मुझे कहते हुए घर में, ध्यान से सुनना जो संत रविदास जी महाराज ने कहा। उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सभी को अन्न, और छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे। अरे जोर से बोलो, रविदास रहे। रविदास जी ने कहा कि ऐसा राज होना चाहिए। सारे शासकों से कहा, सारे राजाओं से कहा कि राज कैसा चाहिए? तो उन्होंने कहा राज ऐसा चाहिए जहां कोई भूखा ना सोए, सबको अन्न मिल जाए, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, कोई जात ना हो, कोई पात ना हो, सबके सब बराबर रहे, एक समान रहे, तभी रविदास प्रसन्न रहे, तभी रविदास प्रसन्न रहे। यह दर्शन है रविदास जी का, और यह सीख है रविदास जी की, सबको बराबर मानो। आज मेरी बहने भी यहां आई हुई है, बहने जहां बैठी जरा हाथ उठाओ, बहने बहने उधर बैठी बीच में। जब उन्हें छोट बड़ सब सम रहे ये बात कही, तो एक बात और कही कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, नर और नारी दोनों बराबर, दोनों समान है। इसलिए बहनों की भी इज्जत होनी चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यहां मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरी सरकार, जो संत रविदास जी ने कहा वैसी ही सरकार चला रहे हैं, ऐसा चाहूं राज में। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, सब ध्यान से सुनना, और बहनों तुम और ज्यादा ध्यान से सुनना। बहनों को भी बताओ न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? बहने ही बहने बोल रही, भैया नहीं बोल रहे। अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक बात पूछ रहा हूं भैयों से भी और बहनों से भी, भैया भी बताएं और बहने भी बताएं, बताओ महिलाओं को, माताओं बहनों को मजबूत और सशक्त होना चाहिए कि नहीं?
जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं? बहनों के हाथ में पैसा होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, बहनों के हाथ में पैसा आएगा तो बताओ वो परिवार के भले के लिए काम करेंगी कि नहीं? उनके हाथ में पैसा होगा तो बच्चों के दूध में खर्चा करेंगे कि नहीं? बच्चों को फल सब्जी खिलाएंगी कि नहीं? बहन परिवार की धुरी होती है, उसके पास अगर पैसा हो तो एक पैसा फालतू खर्चा नहीं करती। वो खर्चा करेगी तो बच्चों को ठीक भोजन कराने में करेगी, वो खर्चा करेगी तो बच्चों को दाल फल सब्जी खिलाने में खर्चा करेगी, वो खर्चा करेगी तो किराने की कोई चीज लानी है तो उसको खरीदने में खर्चा करेगी। बोलो करेगी कि नहीं? जोर से बताओ करेगी कि नहीं? तो बताओ बहनों के हाथ में पैसा होना चाहिए? जोर से बोलो भाइयों, तुम भी होना चाहिए कि नहीं? तो सुनो, रविदास जी महाराज ने कहा और हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर गरीब बहन, मध्यम वर्गीय बहन के खाते में 1,000 रुपया महीना डाले जाएंगे लाडली बहना योजना के। अब जब सब समर्थन में है तो जरा जोर से ताली बजाओ और जोर से बजाओ। बोलो होना चाहिए पैसा? तो मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में संत रविदास जी महाराज का अनुसरण करते हुए अब लाडली बहना योजना आ रही है, जिसके अंतर्गत हर महीना और अनुसूचित जाति की बहनों के खाते में भी हर महीना 1,000 रुपया डाले जाएंगे। संतों की भी सहमति है, आपका आशीर्वाद है, दे दूं बहनों को पैसा? अब संत भी कह रहा है दे दो। तो रविदास जी महाराज ने ही तो कहा था, एक बार बोलिए संत रविदास जी महाराज की, ऐसा चाहूं राज मैं जा मिलई सबई को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी महाराज सद्बुद्धि देते रहो, सन्मार्ग पर चलाते रहो। लेकिन आज एक बात और संतों से पूछना चाहता हूं, इतने बड़े संत जिनकी शिष्या मीराबाई भी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और केवल मीरा जी नहीं, मीराबाई के अलावा कई राजा जिनके शिष्य थे। अब एक बात और पूछ रहा हूं, बताओ मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे आवाज से काम नहीं चलेगा, जरा जोर से बताओ और जोर से बताओ और जोर से। संत बताएं, इधर वाले भी बताएं। तो सुनिए, संत रविदास जी जयंती पर सागर के पास जमीन भी हमने देख ली है, पूरी जानकारी करके आया हूं। कौन सी है? बड़तुमा, बगल में मकरोनिया में आती है। क्यों भाई? बड़तुमा। तो बताओ बड़तुमा में मंदिर बना दे, जोर से बताओ बना दे। तो आइए, संतों का आशीर्वाद है, बनाए इधर वाले संतों का और सामने वालों का। तो बोलिए संत रविदास जी महाराज की। आज हम फैसला कर रहे हैं कि यहां संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे, ये उनका उपकार है समाज में। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, समाज को जो उन्हें दिया है उससे कोई उर्ण नहीं हो सकते। इसलिए भव्य मंदिर बने, हाँ ऐसे भवन भी हो जहां सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहे, और वहां उनने जो लिखे हैं
जो दोहे हैं उनके, जो अलग अलग शिक्षाएं दी है उन्होंने सीख दी है, वो सारी सारी उकेरी जाएगी और संत रविदास जी की पूरी लीला, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे जितने प्रसंग रहेंगे सारे प्रसंग उकेरने का काम करेंगे। उसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ की जाती है। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। और आज मैं ये भी आपसे कहूं, मेरे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरे बहनों और भाइयों, जो संत रविदास जी महाराज ने मिले सभी को अन्न, आज जरा सोच के देखो, मैं कोई एहसास नहीं बता रहा, हमने कर्तव्य पूरा किया है। ईमानदारी से आज बताना मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बड़ी बात करती है एससी समर्थन की, बताओ कभी गरीबों को फ्री में अन्न कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? आज मुझे जोर से बताना, दिल से बोलना, दिया था क्या? कभी दिया अन्न? अगर अन्न दिया अपना कर्तव्य समझ के, ऐसा अन्न नहीं किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अगर कर्तव्य समझ के दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और आज मैं कह रहा हूं, हमारी विकास यात्राएं निकल रही है, गांव गांव जा रही है। आप सबसे कह रहा हूं, मेरा नेतृत्व में बैठा है, अगर कोई वंचित रह गया हो, कोई का नाम छूट गया हो, तो रविदास जी महाराज ने कहा था मिले सभी को अन्न, हर एक का नाम जोड़ दिया जाएगा, विकास यात्रा ही में जोड़ देंगे चिंता मत कर। सीएम जनसेवा अभियान में हमने लाखों नाम जोड़े हैं और बच गए हो तो रविदास जी महाराज कह गए मिले सभी को अन्न। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्न की व्यवस्था करेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सागर वाले कौन कौन है, जरा हाथ उठाएं। मैं चुनाव में आया था, आपको पता है, मेयर के चुनाव, और उस समय मुझे कहते हो खुशी है कि सारे एससी वार्ड भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और उस समय दूसरी बात जो संत रविदास जी महाराज ने भी कही, अरे अन्न चाहिए तो सबको रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं, ऐसे बोल रहे मरे मरे से, और जोर से होनी चाहिए। और इसलिए उस समय हमने कहा था कि वर्षों से हमारे जो भाई बहन गरीब अनुसूचित जाति के जहां रह रहे हैं, वहां पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक बोलो रे भैया बहनों। और इसलिए यहाँ केमिस्टर और कलेक्टर दोनों हैं, काम पे लग जाओ भैया। केवल कैंट वाली जमीन में दिक्कत आएगी, आर्मी की जमीन है तो वहां से परमिशन का हम प्रयास करेंगे। जो अपनी जमीन है क्या भूपेन्द्र सिंह जी, अब क्यों रखी देर लगाए, बांटो पट्टे, बनाओ मालिक, गरीब के वही मां जमीन का मालिक बने। और केवल शहर की नहीं कह रहा, गांव की भी सुन लेना, गांव वाले कौन कौन है हाथ उठाओ, सुनो रे मेरे भैया बहनों, एक गांव में रहने वालों, तुम्हारे लिए भी हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। मतलब एक छोटे से घर में अगर बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, बाप के चार बेटा हो गए, चार बहुएं आ गई, उनके चार चार हो गए, फिर बहुएं आ गई, और फिर और मोड़ा मोड़ी हो गए बड्डे, तो फिर कहां रहे बताओ? तो रहवे दूसरी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? है जोर से बोलो। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना,
टीकमगढ़ जिले में हमने 10,800 जमीन के पट्टे बांटे, सागर में कितने आवेदन आए जिले में बताओ भैया? अरे माइक पे बताओ यार। सर 80,000 आवेदन आए हैं सर और 12,000 पट्टे बांट दिए सर। अब बचे कितने जो पात्र पाए गए? सर 12,000 थे सर, जो सर अभी तक 8,000 पत्र पट्टे बन गए हैं सर। 12,000 ऐसे जो पात्र नहीं, ऐसे नहीं, जरा कार्यक्रम करके बांटेंगे और जो रह गए हैं उनको भी देखो। देखो रे भैया बहनों, सरकारी जमीन नहीं मिली तो खरीद के भी बांटूंगा, चिंता मत करना, तुम्हारा राज है भारतीय जनता पार्टी। छोट बड़ सब सम रहे, ये बांट शिवराज, यही तो जनता की सेवा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान के निर्माण का काम। और एक बात और सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, कांग्रेस के लोग बातें करते हैं, आए थे 15 महीना के लिए, परेशान हो आके तुलसी भैया गुरु राम जी तो भग भग आए वहां से गोविंद, कह जो सुनी नहीं इनकी नहीं सुनते, जब इनकी नहीं सुनते तो बाकी कौन की सुनते हैं। आपको याद होगा यहाँ एक मर्डर हुआ था, मर्डर राम अहिरवार भूले नहीं होंगे, हर प्रसाद धन प्रसाद मर्डर हुआ था, अपराधी पकड़े नहीं थे, विधवा बहन थी उसको पैसा दिए नहीं थे, उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन तब भी हम सब आए थे, आंदोलन किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए, कमलनाथ के कानों में जुआ नहीं रिंगी भैया, जुआ नहीं रिंगी। ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा केवल छलाए वोट के लिए, आजकल मैं रोज सवाल पूछ रहा हूं, कितनी बातें कही थी कितनी पूरी कही, उस बहन को भी जो विधवा हो गई थी 8,25,000 रुपए की राशि मिली, तो सरकार बनने के बाद तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था की। पूजा पत्नी का नाम था, यहां तक मुझे याद, पूजा अहिरवार, और आपको याद होगा हमारी देखा देखी उनने भी किया था रंगदास कुंभ, संत बैठे कोई संत के चरणों में आके झुके थे क्या? कोई संत का स्वागत किया था क्या? ये अहंकारी लोग ये मानते तो अरबपति खरबपति, हम कहां किसके सामने झुकेंगे? संतों का अपमान करने का पाप किया तो कमलनाथ आपने किया, बुला लियो रब्बन। ये वो सरकार थी, आज ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा काम किया इनने 1.25 साल में? कोई काम एससी के लिए किया? केवल वादे करना और प्रदेश को लूटने का काम किया, वचन पत्र पूरा नहीं कर रहे। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात और आज करूं, मेरे बहनों और भाइयों, मैं हिसाब भी आपको दे रहा हूं, संत रविदास जी महाराज के बताए रास्ते पे हम चल रहे। पिछले 2.5 साल में हमने जो अनुसूचित जाति के लिए किया है वो बताऊंगा, और आगे क्या करने वाले वो भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 6,69,025 लोगों को 5,018,77,00,000 रुपया अगर दिया एससी के भाई बहनों को, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय 12,21,131 लोगों को 71 करोड़ रुपया, आजीविका मिशन की बहनों को 99,54,00,000 रुपया, 5,18,000 बहनों को, प्रदेश का बता रहा हूं, और शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,55,817 भाई बहनों को 1,295 करोड़ रुपया। लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी 6,99,183 बहने बेटियां
हमारे समाज से आती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 37,67,150 भाई बहनों को छोटे छोटे लोन, अगर देने का काम 5,958 करोड़ का किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना बेटा बेटियों के बारे में, उनका भविष्य बनाना है। मेरे बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार है जिसने तय किया है कि हमारे बेटा बेटियों का एडमिशन कहीं भी हो, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी कॉलेजेज में हो, अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में हो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो, तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगी, फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों की पढ़ाई पे हमने लगातार उस समय भी जब से सरकार आई है हमने ध्यान दिया है। संबल योजनाओं, पीएम स्वनिधि हो, गांव की बेटियों, सब योजना में मिला के हमने 14,300 करोड़ रुपया ऐसी समाज तक पहुंचाने का काम किया है। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। हम 50,08,649 ये अलग अलग तरह के हितग्राही है, अलग अलग तरह की स्वरोजगार की योजनाओं के, छात्रवृत्ति की योजनाओं के, जिनके खाते में 2,741.5 करोड़ रुपया डाले। देखो हमें केवल बात नहीं करनी, हमें तो रविदास जी के बताए मार्ग पर चलना है। सबकी जिंदगी कैसे बनाए, सबकी जिंदगी कैसे संवारे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो और चाहे यहाँ आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूँ, लगातार सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो एक बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी सुनना मेरे भैया, ऐसी के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, बताओ हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? सब बताओ जोर से, जानते हैं क्या? अब कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी हमने, मेडिकल की पढ़ाई काय में होगी, अंग्रेजी में होगी, इंजीनियर की पढ़ाई काय में होगी, अंग्रेजी में होगी। अब हमारे बच्चे तो अंग्रेजी समझते नहीं है और इसलिए डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, साल भर में छोड़ भगा। मैं इनका बेटा छोड़ क्यों दिया? बोले मामा एना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी। इनका क्या कह रहा हूँ, कल अंग्रेजी में होती तो पल्ले ही नहीं पड़ती, तो छोड़ छाड़ के भग लिएगा। अब बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, ये हमारे बच्चे ना पढ़ पाए इसका षड्यंत्र है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? और इसलिए सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर अपन ने तय किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, अब सारी पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में। धन्नु पन्ना कल्ला मन्नू, हरिया तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बने रे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह व्यवस्था की और हमारे बच्चे पढ़ते रहे, इसका इंतजाम करने का काम कर रहे हैं। बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ध्रुवराम, अरे उस समय तय कर दिया है, कोविड आया और डॉक्टर आ गए। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बनाई, ईमानदारी से बताना, अगर वो वैक्सीन ना होती और हम लोग दिनों रात मेहनत करके वैक्सीन नहीं लगवाते तो बताओ जिंदा बच पाते क्या? अरे जोर से बताओ, बच पाते क्या? अगर कांग्रेस होती तो ऐसी वैक्सीन लगती क्या? डॉक्टर गुरुराम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, दिन और रात मेहनत करके हम लोगों ने वो वैक्सीन लगवाने का काम किया। और अब सुनो, बाकी योजना तो है ही, बीमार हो जाए तो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से लेके सब, लेकिन अब इलाज की बनी है आयुष्मान भारत योजना। आपके आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने जरा हाथ उठाओ। अब जिनके नहीं बने उनको भी ध्यान दो, विकास यात्रा में 5,00,000 रुपए तक का इलाज साल भर में प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ऐसा चाहूं राज में,
यही तो संत रविदास जी महाराज ने कहा था, पढ़ाई लिखाई इलाज मकान जमीन राशन, फिर एक बार बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? केवल बात करते हैं। और आगे भी सुन लो, हमने बीच में जो तय किए कि एससी की बेटियों को जिनको साइकिल नहीं मिली, ग्यारहवीं में जाएंगी तो 3,900 रुपया साइकिल के लिए दिए जाएंगे, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा, वो बहुत सी चीजें की है, आज वो नहीं बता रहा, लेकिन आज कुछ नई चीजें बता रहा हूं। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अब एससी के जो बेटे बेटी हैं, अभी तक उनको स्कॉलरशिप के लिए जो सीमा थी आय की, वो थी 6 लाख वार्षिक, मतलब 6 लाख रुपया अगर हर साल की कमाई है 6 लाख तक, तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब महंगाई का जमाना है, बताओ ये सीमा बढ़नी चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो ये सीमा 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपया की जाती है स्कॉलरशिप के लिए। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। अनुसूचित जाति में जो विदेश पढ़ते हैं, उनका कहना है कि मामा और कोर्सों में भिजवाओ रे, और इसलिए अगर विदेश जाके ग्रेजुएट कोर्स और मानविकी विषयों में पढ़ेंगे तो उसकी अनुमति भी दी जाएगी। और एक बात और, संत रविदास जी महाराज का जन्म हुआ कहाँ हुआ पता है? अरे कहाँ हुआ? काशी जी में, बनारस में। तो बताओ वहां तीर्थ यात्रा की ट्रेन भेजना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, नहीं भेजना चाहिए कि नहीं? भेजना चाहिए। तो संत रविदास जी महाराज की आपके नेतृत्व में ट्रेनें रवाना की जाएगी, ऐसा चाहूं राज में। तो वहां तीर्थ यात्रा भी करवाई जाएगी और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारे एससी के बेटा बेटी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, तो आज हम तय कर रहे हैं कि 20% जो भूखंड है वो एससी एसटी के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे, ताकि बच्चे चाहें तो वहां अपनी फैक्ट्री लगाएं। मेरे बेटा बेटियों, एमएसएमई विभाग की क्लस्टर नीति के प्रावधानों के अनुसार डिक्की को हमारे दलित उद्योगपतियों का एक संगठन है, उसको हम एक क्लस्टर देंगे जहां एससी के लोग अपने उद्योग लगाएं। जो मेगा औद्योगिक इकाई है, वहां उद्यमियों को एससी के साथ में एसटीबी, उनको एक्सपोजर विजिट करवाएंगे। पेट्रोल पंप मिलता है सरकार में, उसका कोटा आवंटित, पेट्रोल पंप आदम आवंटित हो गया तो जमीन नहीं मिलती, और इसलिए तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप जिनको मिल जाएगा उनको भूमि देना सुनिश्चित करेंगे, छूट देके, ताकि तुम्हारे पेट्रोल पंप भी लग सके। कई बार आवंटित हो जाते हैं, लग नहीं पाते। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चों को उद्यमियों के लिए एमपी जो हमारा उद्योग विभाग है, वहां नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, और नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी बना के अब मेन होल की सफाई, मतलब घुस के साफ करते हैं तो कई बार मौत के मुंह में चले जाते हैं, अब वो सफाई मशीनों से होगी, इंसान का प्रवेश नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे ताकि जिंदगी हम सुरक्षित रख सकें। हम स्टार्टअप नीति में जो सुविधाएं बहनों को दिए वो एससी एसटी को भी देंगे, और भंडार क्रय नियमों में परिवर्तित करके एससी के उद्योगपतियों को हम सर्विस और ट्रेडिंग सेंटर में भी छूट देंगे, सुविधाएं देंगे। ये हमारा पूरा जो कार्यक्रम है वो हमारे भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और मैं फिर विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि संत रविदास जी महाराज ने
जो बात कही एक एक पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक बार फिर संत रविदास जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन अंत में एक बात और कि ये सारे काम करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए और संतों का आशीर्वाद चाहिए। मैं संतों को प्रणाम करते हुए कहता हूँ आपका आशीर्वाद चाहिए। संतों का ये आशीर्वाद मिल जाए, इधर से भी मिल जाए, सामने से भी मिल जाए, और आपका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, ऐसे नहीं जोर से बताने, सबका साथ मिलेगा। तो इन कामों को पूरा करने के लिए हमारे साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे। तो आइए अपने अपने स्थान पे खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, संत रविदास जी महाराज की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि हम मिलकर साथ चलेंगे, मध्य प्रदेश भी बनाएंगे, देश भी बनाएंगे, सब समाजों के साथ समरसता से भी रहेंगे और अनुसूचित जाति समाज भी आगे बढ़ेगा। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए संत श्रोमणि रविदास जी महाराज की, सदगुरु संत रविदास जी महाराज की, भारत माता की, संत समाज की, सभी बहनों भाइयों की, सदगुरु संत रविदास जी महाराज की। प्रदीप जी ने कुछ अलग अलग स्थानों पे, और हमने तो वही एक ही हथौड़ा तो मार दिया, कुछ और उन्होंने कहा है कि ये चाहिए मंगल भवन, तो करेंगे अलग से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने हर वाक्य को साक्षात कर। ये मुकुट मुझे पहनाया था हमारे एससी के भाई बहनों ने, ये आदर के साथ स्वीकार कर रहा हूँ इस संकल्प के साथ के सबके सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये मुकुट मैं यहाँ इसलिए प्रदान कर रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत मेरी बेटियों की शादी हो तो इस मुकुट की बिछोड़ी बना के मेरी बेटियों की उंगलियों में पहना देना। ये आपको मैं भेंट कर रहा हूँ, धन्यवाद। ये ले ले अब ये वो देना है ना, कुछ लाभ बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका विशेष प्रेम बेटियों से, बहनों से, प्रदेश की। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं और तालियों से पुनः धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहनों और भाइयों, अभी अपने ही कई लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ देना है, तो वो लाभ वितरित करने का यहाँ कार्यक्रम होगा। जिनको मैंने जो योजनाएं बनाई उनका लाभ दिया जा रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित, सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। और अब मैं आमंत्रित करता हूं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से श्रीमती नीलू रोहित जी के लिए, इन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख रूपए कलर लैब एवं एल्म निर्माण के लिए। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से ही श्री राजेश अहिरवार, इन्हें भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बेकरी आइटम